मैं बलविंदर सिंह आई एम बलविंदर सिंह मैं कहना आज आता मैं जिड़ा बंदा ये ना था वह कहते छड़िया फिर उन्हें भी फर जाता वो बंदे भी हाजिर कराया जाए वो बंदे रल के पुलिस थाने मारिया गया न्याय मारिया हवालाती की मौत से परिवारक मैंबर वालों थाने अगे लाश रख के किया रोस प्रदर्शन परिवारक मैंबर के दोष पुलिस की कुटमार दौरान हुई है उन्होंने मैंबर की मौत मृतक बलविंदर सिंह पुलिस ने कुछ दिन पहला ही फड़िया सी 5 किलो भुक्की समेत पिंड सुल्तानपुर के बलविंदर सिंह की न्यायिक हिरासत दौरान मौत होने तो बाद बीती शाम रोज आए मृतक के परिवारक मैंबर वालों सदर थाना रोपड़ के अगे बलविंदर सिंह की लाश रख के धरना प्रदर्शन किया गया जिस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जम के नारेबाजी भी की यह धरना देर शाम तक चलता रहा ते पुलिस वालों रात करीब 9 बजे परिवार की मंग पूरी करन दा भरोसा दिता गया दस दिए कि थाना चमकौर साहब अधीन पेंदे पिंड सुल्तानपुर के 49 साल बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर पुत्र चरण सिंह 22 सितंबर को NDPS एक्ट अधीन थाना सिंह भगवंतपुर पुलिस वालों गिरफ़्तार किया गया सी ते मानजोग अदालत वालों उसनु 14 दिन लई पुलिस रिमांड से भेज दिता गया सी पर कोविड के कारण बलविंदर सिंह कनौली पुलिस चौकी च बंद किया गया सी 7 अक्तूबर को उसनु विशेष अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंस राही पेश किया जाना सी परंतु बीती सवेर उसकी सेहत खराब हुई तो उसनु सिविल हस्पताल ले जाया गया हालत गंभीर होने कारण बलविंदर सिंह चंडीगढ़ सैक्टर 32 हस्पताल रैफर किया गया जिथे उसकी मौत हो गई हालांकि जिला जेल वालों दी जानकारी अनुसार मौत के कारण पिछे बलविंदर सिंह दमे की बीमारी दसया गया पर परिवारक मैंबर वालों मौत के इल्जाम पुलिस से लगाए जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों के रोह देखद आखिर यह धरना पुलिस प्रशासन वालों रात करीब 9 बजे मृतक परिवार को मुआवजा तो 1 मैंबर नौकरी दिए जाने के भरोसे तो बाद समाप्त होया इस संबंधी परिवारक मैंबर और होर सहयोगियों ने दोष लगाया कि बलविंदर सिंह पुलिस वालों टोर्चर किया गया जिस कारण उसकी मौत हुई है की नाम है जी अपना मेरा नाम पाल सिंह है जी की भरोसा दिता पुलिस ने हुण तुहानू भरोसा पुलिस ने दिता जी भी एक बच्चे नूं नौकरी हांजी सरकारी दवाण गई हांजी दूजा जे इन्हां नूं फंड दे विच पैसे जो 10 लाख 15 लाख जो भी DC फंड दे विच होणगा उहदे लिख के देणगे रिफंड करके देणगे तीजा जिहड़ा बंदा जिहने बंदे ने बंदा फसाया है उहदी चाल दे नाल बंदा फसिया उहदे पर मैनूं बयान देना पैणा मैनूं बयान दऊंगा मैं उहदे खिलाफ उह परचा दर्ज करांगे उहदे बाद जिहड़ा जुडिशली पिछे चलती है इनकुआरी वह जुडिशली दे विच जो भी बंदा दोषी पाया गया उहदे पर परचा होगा SSP साहब ना हुई है जी एक नाल साधी मतलब डिप्टी साहब भी बैठे हैं ते दूजे एक साधी वर्दी दे विच हैगे हैं पता नहीं SSP साहब है कौन DVC ते हुण तुसीं परिवार सहमत है खोल रहे हो तो असीं धरना परिवार सहमत है जी असीं परिवार नूं सहमत कर रहे हैं आ बच्चा जी मुंडा उहदा कुड़ी है जी आ कुड़ी है आ देखो भरा किधर लग गया गलबात करदे आ SP हेडक्वार्टर अंकुर गुप्ता ने दसिया कि जो जुडिशियल इनकुआरी रखी गई है उसकी रिपोर्ट आने तो बाद ही जो हुक्म होंगे कार्रवाई की जाएगी तो परिवारक मैंबरों को सरकार तो वध मदद दवाई जाएगी रूपनगर तो रवि वैस की विशेष रिपोर्ट जो जुडिशियल इनकुआरी रखी गई है वह जिदा ही फैसला आएगा जो भी फैसला होएगा वो उस पर उस कार्रवाई की जाएगी जो FIR दर्ज करने सानू आया तो नाल दे नाल पर्चा दे के कार्रवाई की जाएगी जितों तक अगली गल है तो सरकार नूं असी करांगे वध तो वध जिन्नी भी कंपनसेशन असी दवा सकते हैं इन्हां दे परिवार नूं ताकि गरीब परिवार है इन्हां दा फायदा हो सके साढ़े तो जो बन सकेगा असी वध तो वध अगे चल के इन्हां दी मदद भी करांगे जिदा ही नाले इनकुआयरी की जिहड़ी मैजिस्ट्रेट साहब की इनकुआयरी चल रही है उहदा सानू आ जाएगा नाल दे नाल उहदे च जे FIR दा आंदा FIR रजिस्टर की जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी जी।